वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, बिल्कुल ही हेल्दी तरीका से, जो कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने मटर ली हैं, जो कि मैंने रात भर के लिए फूलने के लिए डाल दी हैं। ये सूखे मटर हैं जो कि आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे आपको। रात भर का फूला हुआ ये मटर है। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर पनीर लिया है, उसे छोटे छोटे पीसेज में मैं काट लूँगी। पनीर को मैंने अच्छे से काट लिया है। इसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी, उसमें सरसों का तेल मैंने डाला है और इधर मैंने चढ़ा दिया है कुकर में मटर को, जो कि 3-4 सीटी हमें लगा लेना है, अच्छे से उसे पका लेना है। और यहाँ पर तब तक मैं पनीर को भी अच्छे से इसे भून लेती हूँ। भून कर मैंने इसे निकाल लिया है। उसी बच्चे तेल में मैंने इसमें जीरा डाल देंगे, 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 4 हरी मिर्च कट करके डाला है, यहाँ पर 1 पोट लहसुन को छिलकर अच्छे से छोटे छोटे पीसेस करके डाला है। यहाँ पर मैंने मटर पनीर की रेसिपी बहुत ही आसान तरीका से बनाया, बिना मसाले पीसे ही मैं आसानी से स्वादिष्ट बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो तड़कने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है प्याज। अब प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे, इसका कलर हमें चेंज कर लेना है। तो इसे खूब भूने और अच्छे से धीमी आंच पर ही इसे अच्छे से पकाएं प्याज को, और जब हमारा ये भूरा कलर हो जाए तब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। 1 मैंने शिमला मिर्च अच्छे से काट कर बारीक डाला है, और इसके बाद तुरंत ही मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर को अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा नमक मिला देते हैं और नमक मिलाकर इसे अच्छे से ढक देते हैं, और ढक कर अच्छे से हम टमाटर को पका लेते हैं। टमाटर अच्छे से गल जाने पर अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर के जगह पर आप कश्मीरी पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है तो अच्छा लगता है देखने में। तो अब हम यहाँ पर कस्तूरी मेथी में डाल देंगे थोड़ा सा, और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए चलाएंगे। और ये जो है पनीर चिली मसाला है, जो कि अच्छे से पानी में घोल देंगे, और घोलने के बाद डालना है। पनीर चिली मसाला आसानी से बाज़ार में भी मिलता है और घर पर भी बनाया जाता है इस मसाले को। अब हम इसमें मसाले को ऐड कर देंगे, और मसाले को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे 2 मिनट के लिए। बस हमारा अच्छे से मसाले तैयार हो जाएंगे, अच्छे से इसमें तेल जब छोड़ जाए, अच्छे से इस तरह से हो जाए, तब हम इसमें मटर को डाल देंगे। तो हमारा मटर हो गया है, पूरे अच्छे से पका लिए। अगर मटर थोड़ा कड़ा रहता है तो फिर खाने में थोड़ा सा कड़ा रहता है, लेकिन मटर को अच्छे से हम पका लेते हैं तो मटर पनीर बहुत ही स्वाद लगता है। तो हमारा मटर डालने के बाद थोड़ा सा भून लिया है, और भूनने के बाद तुरंत ही इसमें मैंने पनीर को ऐड कर दिया है, और इसे भी 2 मिनट के लिए चलाने के बाद इसमें अब हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर अपने हिसाब से पानी डालें। ग्रेवी आपको कम ज़्यादा, आपको आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए कि कम या फिर ज़्यादा, क्योंकि चावल के साथ अगर खाना हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी रहता है, और रोटी के साथ खाना हो तो थोड़ा सा कम ग्रेवी रहता है, थोड़ा सा गाढ़ी ग्रेवी रहता है। तो चलिए, हमारा बनकर तैयार हो गया है मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि हेल्दी तरीका मैंने आज आप लोगों को बताया है। तो चलिए, इसे अब पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल ही तैयार हो गया है। अब इतनी गाढ़ी मैंने रखा है, रोटी के साथ मस्त ये लगने वाली है। अपने घर पर बनाएं और चावल रोटी पराठा के साथ मज़े लेकर खाएं। रेसिपीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।